if you want to change the nation, you have to start with its colleges. I'm here in Aligarh Muslim University speaking to some bright young lady students, and they're going to tell us how they're making a change in the campus. We'll start with you. Hi. Hello. Hello, my name is Khana Ayla Ishrat Ali and from BSc second year. और मैं MU की as a cabinet मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस तरीके से MU को लेके चलना है कि हम लोग का सारा जो भी women empowerment है, already हम लोग empowered हैं because ये women's college है और ये खुद ही एक में अलग इसे एक teacher ही चला रही हैं जो provost मैम है, वो पूरा हमें किसी भी उनकी gents की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद हम already empowered हैं. Right. You? Hello, my name is Fabia. I'm the current secretary of this college and I'm doing majors in psychology right now in second year. And media ideology thodi different hai because I believe empowerment is a different thing and knowing oneself is a different thing. We become empowered when we release our inner potential and inner ideologies. That is what I believe. Hum log ko intersectionality ke liye respect karni, har cheez ko saath leke chalna hai, par jo choti choti cheez hai na un pe focus karna rather than making thing fantasies. What are you doing at AMU? So your position and women's college ke perspective mein aap thoda bataiye. Women's college ke andar right now I'm related to the secretary of women's college because I believe ki hame jo karna hai na sab साथ लेके चलना, इंडिविजुअली कुछ नहीं होगा. इंडिविजुअलिज्म इज डिफरेंट थिंग, यहाँ पे कलेक्टिविज्म होना है, सबको साथ लेके चलना है और एम्पावरिंग जो करना है ना उसका माइंडसेट सेट डिफर करना है. बिकॉज एम्पावर हम तब होंगे जब हम खुद को पहचानेंगे, अच्छा हम कुछ कर रहे हैं एंड वी स्टैंड फॉर अ बेसिक नीड्स. सो बेसिक नीड्स नहीं है, वी हैव टू वर्क फॉर देम इंशाल्लाह एंड वी विल. हेलो, माय सेल्फ जैसा आई एम डूइंग परसुइंग बीए सेकंड ईयर फ्रॉम पर्शियन. आई वांट टू द गर्ल्स टू बी एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड. आई वांट देम टू बी to see what going on in the world, because in this college we face that girls only doing study, they just study, they don't want to expose. I want him to expose. Bilkul, bilkul. Aur aap bataiye. Hello, this is Nida Akram. I am vice president of this college and I want to become a change. As I change, then everyone will be changed. And I want a reserve section for the women's, where we start, then we can. थैंक यू. राइट. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अभी हमें बताया कि यहाँ पे सबको मिल के रहना है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. तो AMU के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे लड़कियाँ आती हैं फ्रॉम कंजर्वेटिव बैकग्राउंड्स एंड अ लिटिल बिट, सॉरी लेट मी जस्ट फिनिश इट एंड देन वील. हाँ, तो AMU के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे लड़कियाँ आती हैं फ्रॉम अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव बैकग्राउंड्स एंड फ्रॉम मोर प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड्स ऑल्सो, तो यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज में आपका रोल कैसे डिफाइन होता है जब आप साथ लेने की बात करती हैं? तो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल यू नो द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो इस यूनिवर्सिटी की लड़कियों में देखने को मिलते हैं? सी, आई बिलीव एक परसेप्शन इज़ नॉट इनफ टू लुक थ्रू द थिंग्स. अगर एक लेंस बनाए तो सारे लेंस को इंटरमिंगल करके ही पता चलता है. अगर आप एक पजल का पीस निकालें तो पजल वोंट बी कम्प्लीट. जिक्सो पजल इज कम्प्लीट विद डिफरेंट पीसेज आर ऑल मिक्स टुगेदर इन अ करेक्ट मैनर. तो हमें सबको साथ लेके आगे चलना है, सबके बातें सबकी आइडियोलॉजी समझनी है, देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. ये नहीं कि अच्छा ठीक है आज ज़्यादा प्रोग्रेसिव ज़्यादा कंजर्वेटिव है, सबका नुकसान किसी का नहीं करना, सबको साथ लेके चलना है. क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें होती हैं ये, सब इनका अक्सर इग्नोर कर जाते हैं. माइनॉरिटी को एक्सक्लूड नहीं करना, माइनॉरिटी को इस पर इंक्लूड करके आगे बढ़ रहा है. वरना पे जो हम लोग कहते हैं ना उसमें यहाँ पे वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. मेरे कुछ और होंगे, सिप्ते की जो हमें कैबिनेट में उनके कुछ और होंगे, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. पर हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सबके साथ लेके आगे बढ़ना है. क्योंकि इक्वालिटी और जस्टिस की बात, देखिए जेंडर इक्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग. अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं जेंडर इक्वालिटी नहीं चाहिए हम लोग को, यहाँ पे खुद विद इन द जेंडर, फीमेल जेंडर, वी नीड इक्वालिटी एंड जस्टिस अपने आपको सही से रिप्रेजेंट करने के लिए. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. राइट. तो गर्ल्स वुमेन, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट, मुस्लिम वुमन स्टूडेंट? तो क्या एक इमेज बनाई गई है यू नो मीडिया में, और क्या डिफरेंट आप बताना चाहती हैं कि एक्चुअल में क्या होता है? आप आंसर करना चाहेंगी? जी, जैसे कि इमेज ये बनाई गई है कि बहुत कंजर्वेटिव होते हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स या मुस्लिम गर्ल्स कहेंगे कि उन लोग को बहुत नकाब में रहना होता है. तो नॉट ओनली ड्रेसिंग सेंस विल सॉरी विल यस यस नॉट ओनली ड्रेसिंग सेंस ये तय करता है कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं या हम लोग क्लोज हैं या बहुत ओपन माइंडेड हैं. ऐसा नहीं है. ड्रेसिंग सेंस इज़ अप टू यू, क्या आप पहनना चाहते हैं. हमारे रिलीजन में ये ज़रूर है कि आप ये पहनो क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये मत पहनो. आपको जो पहनना है, लोग ये सोचते हैं कि अगर मुस्लिम्स हैं तो इन लोग को सिर्फ ड्रेसिंग सेंस की तरह देखा जाता है कि हाँ ये लोग अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, ये होता है वो होता है. ऐसा कुछ नहीं है. मुस्लिम स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स की तरह ही होते हैं. वो भी अपना अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, सोसाइटी में चाहते हैं. हम लोग पूरे इंडिया को सिर्फ
मुस्लिम्स को नहीं, हम लोग पूरे इंडिया को जो है क्या कहते हैं अपलिफ्ट कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स हैं सिर्फ इंडिया में, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, और भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम्स या फिर सिर्फ हिंदूज रहते हैं, यहाँ पर सब रहते हैं। हम सब लोग एक कम्युनिटी हैं, पूरा इंडिया एक कम्युनिटी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ज़रूर भले ही बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ मुस्लिम्स का है या सिर्फ हिंदूज़ का है। इंडिया सबका है। हम लोग भी जो और लोग फील करते हैं इंडिया के लिए, हम भी वही फील करते हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं चाहे हम हिंदू हैं, लेकिन हम बराबर, हमारा इंडिया भी हमारा ही है, उनका भी उनका ही है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका इंडिया है, हमारा भी इंडिया, हम लोग अपने इंडिया को अपलिफ्ट कराना चाहते हैं। बिकॉज आई बिलीव आइडेंटिटी जो सबके होते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज होते हैं इंडिविजुअल की, पर हमें खुद को ना एक आइडेंटिटी के साथ कन्फाइन नहीं करना चाहिए। बिकॉज वी आर वुमेन, या बिकॉज वी आर मुस्लिम, या बिकॉज वी आर हिंदू। रिलीजन एक अलग चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं। एक वुमेन आपकी आइडेंटिटी होगी, एक रिलीजन आपकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटीज जो होते हैं, पहले इंडियन आते हैं, देन वी आर डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज इफ यू आर पार्ट ऑफ अ कंट्री, फर्स्ट यू शुड रिस्पेक्ट अ कंट्री, देन आर रिलीजन। हमें किसी आइडेंटिटी को ओवर पार करने नहीं देना खुद को, चाहे वो मुस्लिम के रिस्पेक्ट में, चाहे वो हिंदू के रिस्पेक्ट में हो। वी शुड बी, हाँ, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमें इसमें ये नहीं है कि हम कौन कौन से हैं, हम यूनाइटेड बाय स्टैंड। हम लोग यूनाइट हुए हुए अपने रिलीजन से तो नहीं कह सकते, पर हाँ अपनी कंट्री से यूनाइटेड हैं। सब लोग अलग अलग तरीके के हैं, सब लोग की लैंग्वेजेस अलग हैं, बट हमारी जो मेन लैंग्वेज, हमारी मदर टंग है, दैट इज़ हिंदी ओनली। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें रिलीजन्स में नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को साथ लेके चलना है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड वी आर द यूथ ऑफ द इंडिया। राइट, कैन नॉट इग्नोर आइडेंटिटीज, बट वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल्सो, राइट, अपनी भी और दूसरों की भी। राइट, और जो आप में से काफ़ी सारे जो लड़कियां हैं, वो चाहती हैं कि नए फ्रीडम्स मिलें एएमयू में, क्योंकि काफ़ी बार कॉलेजेस में एक कहा जाता है कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के नाम पे उनके पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि आप बाहर मत जाइए, आपके साथ कुछ हो जाएगा। तो उस बारे में और उसको चेंज करने के लिए आपका काउंसिल काफ़ी चीज़ें करना चाहता है, तो उस बारे में आप बताइए हमें कि क्या आपका आइडियोलॉजी है उस बारे में। मेरा आइडियोलॉजी सिर्फ इतना है कि लोगों की आइडियोलॉजी आप एक दिन में माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। रेडिकलिज्म इज़ अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट द बेस्ट थिंग विच वट वट वन शुड प्रेफर। अगर पास आपके पास ऑप्शन है तो आपको ग्रेजुअली जाना चाहिए। एजिटेशन करिए, पर जब जरूरत है तब करिए। आप कॉन्टेक्स्ट में कि क्या कहते हैं, लड़कियों को फ्रीडम मिलना चाहिए, लाइक जस्ट टेल मी वट आई थिंक वी शुड बी फ्री, बिकॉज हम सबके पास इख्तियार, हम सबके पास राइट हैं कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो हाँ, वी शुड बी ग्रांटेड फ्रीडम, पर हाँ, आज सच ये नहीं कि आप हमें बिल्कुल ही वो कर दीजिए, बिकॉज आई बिलीव सम रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी इन लाइफ। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन या डिमार्केशन नहीं होते ना, तो फिर अलग चीज़ हो जाती है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जो अनरीजनेबल चीज़ें उनको दरकिनार करना, जो रीजनेबल चीज़ें उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अनरीजनेबल जो ये बात कर रही हैं, आपके हिसाब से क्या अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं? अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ये हैं कि हम लोग सिर्फ 10 to 5 जो है वो आउटिंग कर सकते हैं, या संडे में सिर्फ बाहर जा सकते हैं। अनरीजनेबल है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हम किसी भी दिन जाकर उसे अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ संडे में कुछ करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सारे वीक जो हैं, पूरे वीकडेज में अपना वर्क करना है, अपना पोटेंशियल पूरा देना है वर्क इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो हम सिर्फ ये अनरीजनेबल ये है कि संडे में हमें, सिर्फ संडे के लिए नहीं, हमें पूरे जो है बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग को आउटिंग के इश्यूज़ इसलिए होते हैं कि हमें या तो डॉक्टर से मिलना है या किसी और काम से जाना है, अपने बुक्स वगैरह। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो संडे में या तो मार्केट्स बंद रहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो सिर्फ संडे में हम लोगों को अगर आउटिंग मिलती है तो हम लोग बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। बेसिकली जिस चीज़ के लिए हमें आउटिंग की ज़रूरत होती है वो काम हो ही नहीं पाता। तो क्यों ना हम लोग को, क्या हमारे साथ जो गलत होना होगा वो संडे में नहीं होगा? जो गलत होना होगा वो संडे में भी हो सकता है, और वीक में और डेज में भी हो सकता है। तो हमें आउटिंग अगर दी जा रही है संडे में, तो फिर हमें पूरे वीक में क्यों नहीं? हम लोग आपसे रात की आउटिंग नहीं मांग रहे हैं कि हमें नाइट आवर्स की आउटिंग दीजिए, हम लोग दिन की मांग रहे हैं। 10 to 5 तो आप हमें आउटिंग दे ही सकते हो। हमारे जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि हम लोग को अपनी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, यहाँ पर वैसे साइबर कैफ़े अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी फैसिलिटी साइबर कैफ़े में यहाँ पर भी नहीं है, जो हमें सिर्फ बाहर जाकर मिलेंगी। या बहुत सारे डॉक्टर्स जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, हम लोग स्पेशलिस्ट से अगर मिलना चाहते हैं तो सारे स्पेशलिस्ट तो डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनके लिए हमें बाहर जाना होता है। और बाहर ज़्यादातर हम लोग का ये रहता है कि डॉक्टर्स संडे में नहीं अवेलेबल होते हैं। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, मेडिकल हॉस्पिटल, या फिर अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास भी जाओगे, तो संडे में ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। बहुत सारी मार्केट्स, मॉल वगैरह भी संडे में बंद रहते हैं, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है संडे में छुट्टी मानी जाती है, हर जगह। बिल्कुल,
स्कूल कॉलेजेस बहुत सारे ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स या किसी से विजिट करने जा रहे हो तो हो सकता है कि संडे में ना हो वो अवेलेबल, किसी और वीकडे में हो, तो क्यों हम लोग को इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस है कि आप सिर्फ संडे में जा सकते हो, क्यों नहीं और वीकडेज में जा सकते? आई बिलीव ऑन दिस कि आउटिंग इज अ नेसेसरी थिंग, 7 days आउटिंग, बट जहाँ हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ ख्याल रखे. आई वोंट मतलब आई एक सेकेंड सॉरी आई एम जस्ट अ बिट स्कैटर्ड इन माय थॉट्स, आई एम सॉरी फॉर दैट. नो 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 एब्सोल्युटली, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. आउटिंग होना अच्छी बात है, पर हमें जहाँ पे करना है वहाँ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमने शुरुआत में ये बात की यहाँ हर तरह की फैमिलीज के भी लोग आते हैं, सबको साथ लेके सबका परसेप्शन साथ लेके आगे बढ़ना है. हम लोग के जो चीज़ें हैं यहाँ पे फर्स्ट डिमांड होनी चाहिए कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड है उनको रीअसेंबल करो, जो चीज़ें उनको रीजेनरेट करो एग्जैक्टली, मतलब कम से कम हम लोग वो कर सकें. जैसे डिस्पेंसरी है सिर्फ नाम की डिस्पेंसरी है, महज नाम की, जिमनेजियम है नाम का जिमनेजियम है. सो वी वॉन्ट जो नाम है ना वो हट के उन सब चीज़ों का हम काम करना शुरू करें, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन पर फोकस करें, बिकॉज माइनर इज मेजर. जब तक हमारी नेसेसिटीज पूरी होगी तब वी वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग. तो आप लोग जो हैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमें एक और बेटर नॉलेज दीजिए कि यहाँ पे किस टाइप की लड़कियाँ आती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, तो आप थोड़े पर्सनल एनेक्डोट्स दीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल्स दीजिए हमें बताने के लिए. डिफाइन द स्टूडेंट हियर, द वुमन स्टूडेंट हियर. जी यहाँ पर हर तरीके की लड़कियाँ आती हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर तरी तरीके की लड़कियाँ आती है ऑल ओवर द इंडिया. हम लोग बाहर से भी आती हैं, मलेशिया से भी हैं, इंडोनेशिया से भी है, और थाईज ऑल्सो यहाँ पर. तो जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उन लोग के भी अलग अलग डिफरेंस है. जो मेरी हॉस्टल जो भी रूममेट्स हैं उन लोग के हम लोग की बात भी मतलब अलग अलग हो जाती है, कुछ किसी पॉइंट पर मैं अलग सोचती हूँ वो अलग सोचती हैं. अब जैसे कुछ हिंदू है फैमिली है वो हिंदू फैमिलीज़ वाले, वो मुस्लिम वाले उन्हें कल्चर पसंद है. इवन जो हिंदू मेरी फ्रेंड्स हैं वो जो मुस्लिम में रह रही हैं तो सलाम करना एक बार को हम भूल जाते हैं, वो हमारी जो हिंदू फ्रेंड है वो हम लोग को सलाम करती है. इस तरीके से हर तरीके की हम लोग सब रह रहे हैं. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट यहाँ पर यूनिटी है, और इस तरीके से यूनिटी है सब में दिख भी रही है. वाकई में इंडिया इज़ अ वेराइट हेरिटेज ऑफ इंडिया, दैट इज़ राइट. वेरी नाइस. आप डिफाइन कीजिए द स्टूडेंट, द वुमन स्टूडेंट हियर को. वुमन स्टूडेंट हियर इज इन डीड वाइब्रेंट एंड इंटेलेक्चुअल एज वेल, बिकॉज जो भी यहाँ आता है अपनी एक मादे के साथ आता है, अपना आपको लेके आता है, खुद को रिप्रेजेंट करने आता है. हम किसी को कुछ कर्ब नहीं कर सकते, किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, अच्छा आप ये हैं या आप इस बैकग्राउंड से आते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इक्वल स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पे बैकग्राउंड आपकी कोई मैटर नहीं करती. सो एक ही लव्स में डिफाइन करूँगी, वी ऑल आर द सेम, हमें कोई फर्क नहीं है. सच प्रॉब्लम सबके एक्सपीरियंस सबके डिफरेंट है, पर उन एक्सपीरियंस को साथ लेके अकुमुलेट करके आगे बढ़ना है इंशाल्लाह. आप डिफाइन कीजिए. यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स की जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानते हैं, वो एक दूसरे से मतलब ग्रुपिज्म करके नहीं रहती, वो दूसरों के बारे में समझना चाहती हैं, दूसरों के बारे में जानना चाहती हैं. तो यहाँ पर ये है कि हम इक्वल हैं, यूनाइट हैं. तो एमयू इज़ अबाउट यूनिटी, सो वी आर यूनाइट हियर. बिल्कुल. और आप? जी मैं ये कहूँगी कि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट सिटीज से लोग यहाँ आते हैं अपना अपना कल्चर लेकर, और हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे मल्टी कल्चर्स देखने को मिलते हैं, और हम लोग खुद भी अप्लाई करते हैं. जैसे अभी उन्होंने कहा कि हमारी जो हिंदू फ्रेंड है वो सलाम करना नहीं भूलेगी चाहे हम भूल जाएँ, तो वो लोग भी लर्न करते हैं कि हमारे रिलीजन में क्या है, उनके रिलीजन में क्या है. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन वाइज हम लोग डिवाइडेड हैं, वो तो हमारी थिंकिंग है, हम लोगों ने खुद डिवीजन कर रखा है. इंडिया एक अलग स्टेट है, सॉरी इंडिया एक अलग कंट्री है जहाँ पर तरह तरह के लोग खुद साथ में रहते हैं, अपना तो अपना और दूसरों का कल्चर भी सीखते हैं. यहाँ पर लोग एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए लोग अपने कल्चर्स, अपनी लैंग्वेजेस, अपने पहनावा, हर चीज़ वो लोग आपस में शेयर करते हैं, और यहाँ पर ये होता है. आप यहाँ देखेंगे मॉरिशियंस भी हैं यहाँ पे, थाईज भी हैं, तो हम लोग भी उनका कल्चर देखते हैं. जैसे स्काफ हुआ तो हम लोग उनसे लर्न करते हैं पहनना. ऐसा नहीं है कि हम लोग मुस्लिम से इसलिए, वो लोग भी होते हैं डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं, लेकिन वो भी वो चीज़ें सीखते हैं, हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं, यहाँ पर यही रहता है. और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश कर रहे हैं. तो कितना ज़रूरी है वुमेन को टू बी अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स एंड फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में उन लोग का वुमेन का पार्ट है एज अ कैबिनेट. मैं यहाँ यूनियन को इस बार रिप्रेजेंट कर रही हूँ. मुझे लगता है वुमेन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्ट जो पॉलिटिकल्स का, क्योंकि हमारे में जो स्पीकर जो हमारी प्रेस वो रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर. हाँ रुक जाओ एक सेकेंड. प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे हमारी? प्रतिभा पाटिल. नो नो प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट, शी इज़ अ प्रेसिडेंट, सॉरी कार्तिक भाई. तो प्रेसिडेंट जो हमारी रह चुके हैं प्रतिभा पाटिल, वो भी एज अ वुमेन थी वो. तो इस तरीके से और भी सोनिया गांधी हमारे लिए दिए गए हैं नाम्स
सोनिया गांधी हैं, इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, मदर टेरेसा, ये सब पॉलिटिक्स से ही मतलब कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है अगर हमें एक तरीके से अगर हमें सेवा लाइक करनी है, सर्विस देनी है, तो हमें पॉलिटिक्स से थोड़ा जुड़ना होगा। और देखिए इंशाल्लाह सब लोग कर ही रहे हैं और हम लोग भी। बिल्कुल, आप बताइए। सी फॉर ब्रिंगिंग चेंज वी डज नॉट नीड ओनली प्लेटफॉर्म, पॉलिटिक्स अकेला प्लेटफॉर्म नहीं फॉर ब्रिंगिंग चेंज, चेंज हम और चीज़ों से भी ला सकते हैं, सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी और माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। जहाँ तक कि पॉलिटिक्स और वुमेन की बात है, तो पॉलिटिक्स और वुमेन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, उसको आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बींग इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ वुमेंस कॉलेज, आई कैन अंडरस्टैंड कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और कितनी सारी ज़रूरतें होती हैं बच्चों की, और नेशनल लेवल पर और बढ़ जाती हैं। हम लोग अगर लोकसभा के भी इलेक्शंस देखते हैं, आज सच ग्राम पंचायत सबको पता है, भले ही वो एक औरत क्यों ना इलेक्ट हो जाए, पर उसको जो डोमिनेट करता है वो एक मेल ही होता है, सेम मेल का ही होता है। ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं चेंज करनी है, औरतों को उनके हक के बारे में बताना, उनके राइट्स बारे में अवेयर करना है। अंटिल एंड अनलेस दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे वोंट बी एबल टू एक्सरसाइज इट प्रॉपर्ली। वो सिर्फ एक्सप्लॉइट होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, एक्सप्लॉइट होगा। तो एक्सप्लॉइटेशन रोक के एक्सरसाइजिंग उसका करना है हम लोग को, राइट? वी वांट टू डू। तो नाउ बहुत ये बड़ी बातें हो गई, डिस्क्राइब अ डे, नॉर्मल डे इन द लाइफ ऑफ योर हॉस्टल लाइफ, एंड हाँ उसके बारे में बताइए। चलिए आप बताइए कि एक नॉर्मल डे जो होता है यहाँ पे, यहाँ आपका, यहाँ की लड़कियों का, वो बताइए। मैं यहाँ पर डी स्कॉलर हूँ, लेकिन हॉस्टलर्स के बारे में हम ये देखते हैं कि एमयू के बारे में आप किसी भी इंडिविजुअल से पूछिए तो वो आपको कहेगा कि एमयू का तहजीब जो है यहाँ की बहुत अच्छी है। वो तहजीब क्यों है? क्योंकि हम यूनाइट हैं। हम यहाँ पर एमयू के शाम में मिलते हैं, सब लोग कॉमन रूम में जाते हैं, और नमाज रूम है यहाँ पर, हम सब उसमें मिलते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो यहाँ की तहजीब जो है उससे यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। यूनिटी जो है, जो हम यूनिटी यूनिटी कहते रहते हैं, वर्ड कहते रहते हैं, लेकिन उसको जो आगे बढ़ाते हैं, जो उसका प्रैक्टिकल होता है, वो एमयू में होता है। तो हम यहाँ पर एक डिस्कशंस करके लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों में बोलने की क्षमता जो है वो पैदा करते हैं। बिल्कुल, आप बताइए। जैसे कि आप जानती हैं कि ये डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं अपने साथ साथ, सब लोग एक दूसरे को सिखाते हैं। मैं खुद जो है, मेरी एक फ्रेंड है जो कि वहाँ से है, केरला से आई थी, तो उसकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा कि मैं उसकी लैंग्वेज सीखती हूँ, और उसको मेरी लैंग्वेज अच्छी लगी तो वो हमारी, यानी कि ये कि हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते भी हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनका टेस्ट हमारा टेस्ट जैसे अलग होता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं अलीगढ़ में और थोड़ा इधर की तरफ, उन लोग का टेस्ट थोड़ा अलग होता है और बाहर वालों का अच्छा। तो हम लोग एक दूसरे का टेस्ट भी देखते हैं कि हाँ तुम्हारी ये चीज़ अच्छी है। हमारे यहाँ डिफरेंट डिशेज़ होती हैं, हमारे यहाँ अलग होती हैं, उन लोग के अलग होती हैं, तो हम लोग एक दूसरे की डिशेज़ हुई वो भी ट्राई करते हैं कि अच्छा लगता है। और यहाँ पर कॉमन रूम्स में जैसे हम लोग विज़िट करते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका कल्चर सीखते हैं, अपना सिखाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट भी सीखते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर हॉस्टल में जैसे रहने को अगर दिया जाए तो किस तरह मैनेज करना है, आपको अपना बजट किस तरह मैनेज करके रखना है, आपको अपनी स्टडीज़ का टाइम कैसे मैनेज करोगे, मतलब मैनेजमेंट भी आप सीखते हो यहाँ पे कि कौन सा टाइम आपका सब चीज़ों का है, वो सब आप मैनेजमेंट भी सीखते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप सेल्फ रिलायंस हो जाते हो, हाँ जैसे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, अकेले रहते हो, पेरेंट्स से दूर रहते हो, तो आपको रिलायंस भी मिलता है कि हाँ हम लोग खुद अकेले रह सकते हैं, अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होना सीखते हो आप कि हाँ आप कैसे इंडिपेंडेंट हो, आप बाहर अकेले जाते हो, सफ़र भी अकेले करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं आ पाते लेने, तो आप